हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पनीर कोल्हापुरी बनाना बता रही हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। पनीर हमने 1 पाव पनीर लिया है, काजू, नारियल 1/2 कप, 2 छोटे चम्मच तिल, धनिया 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार ले लेंगे, हरा धनिया जो धोकर हमने बारीक काट ली है, ये हमने खड़ा गरम मसाला लिया है, लाल मिर्च, लौंग, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बस ये सब का हम रोस्ट करके मसाला बना लेंगे। सबसे पहले हम टमाटर हरी मिर्ची का पेस्ट बना लेते हैं। इसमें अदरक लहसुन भी डालना है, ये हमारे पास पहले से पिसा रखा था इसलिए हम पेस्ट डाल देते हैं, आप चाहे तो खड़ा भी डाल सकते हैं। अब हम कोल्हापुरी मसाला बना लेते हैं, उसके लिए हमने पैन गरम किया है, उसमें हम खड़े गरम मसाले डालकर थोड़ा रोस्ट करेंगे। दालचीनी, काली मिर्च, सौंफ, जीरा, बड़ी इलायची, अपना सूखा नारियल हमने कद्दूकस करके रखा था उसको भी डाल देते हैं, तिल भी डाल देंगे, इसमें हम काजू भी डाल देते हैं, थोड़ी देर रोस्ट करते हैं। आप चाहे तो काजू को हरी मिर्ची टमाटर के साथ भी पेस्ट बना सकते हैं डालकर। इसे हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है ठंडा करके, अब हम इसको पीस लेते हैं, मिर्ची के जार में डाल देते हैं। पैन में हमने 2 टेबल स्पून तेल लिया है, इसे हम गरम करेंगे, जीरा डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, ये हमने जो हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना के रखा था उसको डाल देंगे, 2 मिनट भूनते हैं इसको। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार। अब हम मसाला को तेल छोड़ने तक पकने देंगे। मसाला अच्छे से पक गया है, तेल छोड़ दिया, अब हम इसमें कोल्हापुरी मसाले डालेंगे जो हमने नारियल, काजू और खड़े गरम मसाले का पाउडर बनाया था। इसको भी 2 मिनट तक भूंज लेते हैं। मसाला अच्छे से भूंज गया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे, इसको भी पका लेते हैं। अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं, ये घर का बनाया हुआ पनीर है, घर का पनीर बहुत ही सॉफ्ट रहता है, आप भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं और खुद घर में बना सकते हैं। इसको ढककर हम 2 मिनट तक पका लेते हैं। हरा धनिया डाल देते हैं, 2 मिनट पका लेते हैं ढककर, 2 मिनट हो गए हैं, पनीर कोल्हापुरी तैयार हो गई है, अब हम इसको सर्विंग डिश पे निकाल लेते हैं। पनीर कोल्हापुरी तैयार है, ये बहुत ही स्पाइसी और चटपटी होती है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट बना है, आप भी बनाइए और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।